हे गाइस वेलकम बैक। इस दुनिया में इतने सारे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, लेकिन इतने सारे कॉम्बिनेशन में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा परफेक्ट चल रहा है अभी के टाइम पे, तो वो आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। तो मेरे पास टोटल तीन कॉम्बिनेशन मैंने पिक किया, इन सारे कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं नंबर 3। सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो मैंने पिक किया है वो है अपना ओरियन कैरेक्टर। देखो इस दुनिया में बहुत सारे प्लेयर, यहाँ पे हर एक कंट्री से, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या फिर नेपाल, बांग्लादेश, या फिर कोई भी कंट्री से आप उठा लो, सारे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप लोग देखो, इनमें से बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे ओरियन यूज करते हैं। ठीक, मैक्सिमम ऑफ द फ्लेयर अभी के टाइम पे, ये सीजन का बात कर रहा हूं, तो इसमें यहां पे ओरियन काफी ज्यादा यूज हो रहा है। मैंने रिसर्च वगैरह किया था, बहुत सारे YouTube वीडियो देखने के बाद ही पता कर रहा हूं। तो यहां पे आप लोग देखो, मैंने ओरियन को यहां पे पिक किया। आपको क्या करना है, इसका पेसिव बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी कंट्री से देख लो, तो यहां पे आप लोग ना डीबी कैटर अपने पास रखो। बहुत सारे प्लेयर यहां पे डीबी कैटर को यूज करके ग्रैंड मास्टर पुश कर रहे, तो यहां पे एक्यूरेसी बहुत मिलता है। जब आप लोग ओरियन बनोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली एम करके मारना होगा, तो इसलिए डीबी आपको एक्यूरेसी देगा। यहां पे आप लोग ना दशा कैटर भी अपने पास रखना, जो आपको मूवमेंट स्पीड देगा बंदा नॉक करते ही। तो यहां पे आप लोग दशा कैरेक्टर को इक्विप करना, अटैक वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में अटैक का ही पैसिव आएगा। ठीक है, अब यहां पे आप लोग ना एक कैरेक्टर लेना अपने पास, वो है मिगुएल कैरेक्टर। ठीक है, यहां पे बहुत से प्लेयर यहां पे गलती करते हैं, चाहे कोई भी कंट्री से आप लोग देख रहे हो, यहां पे बहुत से प्लेयर मिगुएल नहीं रखते अपने पास। दोस्तों मिगुएल रखा करो, ताकि आपका ओरियन चार्ज हो जाए। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बन चुका है। चलो गेम स्क्रीन पे इसको पता करते हैं। अब गेम पे ओरियन, डीबी, दशा एंड मिगुएल लेके, अब देखो हमारे पास ओरियन कैरेक्टर, तो हम लोग यहां पे बार बार ओरियन बनके एनिमी को यहां पे फ्रस्ट्रेट में डाल सकते हैं। ठीक है, उनको तंग कर सकते हैं। अब देखना गाइस मैं कैसे यहां पे रश करूंगा। थोड़ा आगे मिल पे बहुत सारे प्लेयर रहते हैं, अब देखो कुछ कुछ प्लेयर नीचे भी भाग जाता है, तो यहां पे आप लोग बंदा मार के यहां पे दशा को एक्टिवेट कर सकते हो। देखो गाइस यहां पे मूवमेंट और रेट ऑफ फायर अनलॉक हो चुका है, हमारे पास तो डीबी कैरेक्टर भी है। तो अब देखो यहां पे प्लेयर को हम लोग नॉक करते हैं, तो जैसे यहां पे फिर से नॉक करेंगे, तो यहां पे आप लोग कैरेक्टर हम लोग को देखो दशा एक्टिवेट हो चुका है। इस टाइम के अंदर ये 3 सेकंड के अंदर आपको दशा यहां पे मूवमेंट एंड रेट ऑफ फायर देती है। अब देखो यहां पे प्लेयर साइड से, तो फिर से मैंने नॉकआउट कर दिया। देखो जस्ट बिकॉज ऑफ डीबी कैरेक्टर, ओके डीबी कैरेक्टर। अब यहां पे देखो आप मिगुएल, मतलब मिगुएल को यूज कर सकते हो, लाइक देखो बंदा नॉक करने के बाद आप वापस से ओरियन बन सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों को फायदा मिलता है मिगुएल में, एंड दशा डीबी आपके पास है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। लास्ट का प्लेयर है, आप लोग यहां पे ओरियन बनके मार सकते हो, नहीं तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा अगर आप लोग नेट कुक करके फेंक दोगे तो। यहां पर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट चला है मेरे ऊपर, तो आप लोग भी टेस्ट जरूर कर। नेक्स्ट वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन वो है नंबर 2, ये है अपना सेंटिनो कैरेक्टर। देखो अब दुनिया में इतने सारे प्लेयर वगैरह है यार, कौन से कंट्री में क्या कॉम्बिनेशन यूज करना है वो पता करना थोड़ा मुश्किल, लेकिन यहां पे मैंने देखा गया है कि सेंटिनो को बहुत सारे प्लेयर यहां पे दिल से चाह रहा है, क्योंकि अटैक वगैरह जो करते हैं यहां पे टेलीपोर्ट करके करते हैं। ठीक है, यहां पे आप लोग 2 बार टेलीपोर्ट कर सकते हो। अब देखो बंदा है जो डेकॉय में पहले हिट करता है, फिर डेकॉय से हम लोग चले जाते हैं दूसरे लोकेशन पे, तो वही बात है सेंटिनो कैरेक्टर की, यहां पे यही हम लोग को भरोसा देती है सेंटिनो। अब देखो यहां पे करना क्या है, आप यहां पे ना जेविस कैरेक्टर पे पास रखो, क्योंकि होता क्या है आप लोगों को डैमेज कम मिलेगा जेविस के साथ विद सेंटिनो, तो यहां पे आप लोग जेविस अपने पास रख लेना। ठीक है, आपके पास बस ईपी होना चाहिए, ये याद रखें, यहां पे ईपी के लिए आप लोग जेविस रखना, प्लस आप लोग यहां पे ऑटो कैरेक्टर को इक्विप करना। आपको बंदा नॉक करते हैं, आपको यहां पे सारे ओपोनेंट का यहां पे मूवमेंट स्लो कर देगी ऑटो कैरेक्टर, तो यहां पे आप लोग ऑटो से भी पता कर सकते हो एनिमी का लोकेशन। ठीक है, यहां पे आप लोग ऑटो लेना, ऑटो के साथ लिक्विडा अपने पास रख लेना, लिक्विडा बहुत कैरेक्टर काम का है। ठीक है, ये बहुत से प्लेयर यूज करे इस कॉम्बिनेशन को, तो चलो गेम स्क्रीन पे इसको देखते हैं। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ओके सेंटिनो को, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास जेविस कैरेक्टर, तो आपके पास अगर जेविस होगा तो आपके पास बस ईपी होना चाहिए। आप यहां पे देखो सामने प्लेयर है, और मैंने किसी प्लेयर को नॉक करूंगा तो ऑटो यहां पे एक्टिवेट होता है, और बंदा लोग का मूवमेंट ही स्लो कर दिया। देखो गाइस मुझे लोकेशन मिला था, इसलिए मैं यहां पे चला गया था और उसको भी नॉक कर दिया। यहां पे 2 बंदा को मैंने नॉकआउट निकाल लिया, इसी के साथ हम फिर से टेलीपोर्ट करेंगे और बंदा का लोकेशन फाइंड आउट कर लिया मैंने। अब देखो यहां पे हमारे पास तो डैमेज भी कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग के पास जेविस कैरेक्टर है, तो 10-12% यहां पे डैमेज कम होता है। देखो जितना डैमेज कम होगा ना उतना आपका यहां पे भला है, तो इसलिए आप लोग सोचो जेविस कैरेक्टर कितना हेल्प हो रहा है। ऊपर से हमारे पास लिक्विडा कैरेक्टर है, तो सोचो 50 का शील्ड एचपी दे रहा था, तो यहां पे सेंटिनो का ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। बढ़ते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 जो कैरेक्टर फ्री फायर गाइस, देखो ये प्लेयर लोग ना जो बिगिनर से वो लोग बहुत यूज कर रहे, जो नए नए प्लेयर खेल रहे वो लोग को पता है गाइस ये कॉम्बिनेशन कितना तगड़ा चल रहा है अभी के टाइम पे। इस कैरेक्टर का नाम है दिमित्री कैरेक्टर। देखो अब जितना भी एवरेज प्लेयर उठा को ले लो गाइस, लाइक 70 से नीचे, मैंने देखा यहां पे बहुत सारे प्लेयर यहां पे दिमित्री को यूज कर रहे, क्योंकि देखो दिमित्री से आप रिवाइव हो सकते हो। अब देखो जो बड़े-बड़े प्लेयर है, लेवल का प्लेयर है, उनको हर एक कैरेक्टर का स्किल का आइडिया है, लेकिन कुछ-कुछ प्लेयर को आइडिया नहीं अभी भी, तो इसलिए दिमित्री अभी यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसा बात नहीं दिमित्री यूज नहीं होता है। अब क्या कॉम्बिनेशन इसका दिमित्री का वो देखते हैं। देखो यहां पे दिमित्री के साथ आप यहां पे तीवा को यूज कर सकते हो, लाइक अपने टीममेट को यहां पे जल्दी से
रिवाइव करने के लिए। सीएस रैंक का बात कर रहे हैं, इसलिए सीएस रैंक का कॉम्बिनेशन देख लो आप लोग, यहाँ पे दिमित्री के साथ तीवा को इक्विप करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने भी आपको करके दिखा दिया दिमित्री के साथ तीवा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत से प्लेयर यहाँ पे सोनिया भी अपने पास रखता है, क्योंकि देखो यहाँ पे उनको दिमित्री ऑन करने का टाइम मिलता है सोनिया की मदद से। तो यहाँ पे सोनिया इक्विप करते हैं, फिर यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं डीबी को इक्विप कर लेते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी बनाने के लिए। तो यही कॉम्बिनेशन है जो मैक्सिमम प्लेयर यहाँ पे हर एक कंट्री से यूज कर रहे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हम लोग भी टेस्ट करेंगे, अरे काम करता है कि नहीं वो पता करेंगे। तो वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर बात किया जाए तो दिमित्री का, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास तीवा है, सोनिया है एंड डीबी केट है। तो आप लोग एक बंदा नॉक करो, अगर आपके टीममेट नॉक है तो फटाफट से रिवाइव भी कर दो, क्योंकि मैंने आपके पास यहाँ पे तीवा कैरेक्टर का स्किल भी दिया, और आप लोग यहाँ पे दिमित्री भी ऑन कर सकते हो अगर दो बंदा अलग अलग जगह पे नॉक है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे दिमित्री को ऑन कर दिया, मेरा टीममेट यहाँ पे रिवाइव हो चुका है। आपको रिवाइव का भी पॉइंट मिलता है, प्रोटेक्शन पॉइंट जो होता है ना रिवाइव का भी मिलता है सीएस रैंक में, ओके। तो ये चीज आपके लिए भला है। तो यहाँ पे हमें ग्लूअल फोड़ता और लास्ट का प्लेयर बचा है कहाँ पे है उसको ढूंढते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सोनिया कैरेक्टर भी है, ठीक है। सोनिया कैरेक्टर भी है विथ डीबी कैरेक्टर, तो एक्यूरेसी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो गाइस। यहाँ पे लॉन्ग रेंज से भी हम लोग शॉटगन यूज कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी। तो आप लोग ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना।